अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब है ऐसे होंगे। तो मैं आ चुकी हूँ अपनी एक न्यू वीडियो के साथ, और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो इस वीडियो में आपको जैसे कि आइडिया हो चुका होगा कि किस बारे में है। जी हाँ, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे बेबीज बेड मेकओवर के आइडियाज़, और वो भी अपने बजट के अंदर। सबसे पहले देख सकते हैं आप, ये मैट्रेस कवर है और ये मैट्रेस कवर बहुत ही ज़बरदस्त है। इसकी क्वालिटी मुझे बहुत पसंद आई थी, प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं थी और क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त, फैब्रिक भी बहुत सॉफ्ट था और ये बहुत ही इजी टू फिट था। किसी भी मैट्रेस में बहुत आसानी से ये आ जाता था मेरा, क्योंकि साइज़ 19-20 का फ़र्क आ गया था, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि जैसे इसी के साइज़ का था, हालाँकि ये साइज़ थोड़ा सा आगे पीछे आया था। और इसके बाद आप ये देख सकते हैं साइड पर लगाने के लिए, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, पर ये बहुत ही ज़बरदस्त और आपके बेबी के जो कॉट को एक बहुत ही अच्छी लुक देता है और बहुत ही डिसेंट सी एलिगेंट सी लुक आती है। आप इसको इस तरह, ये जो रिबन साथ मिलते हैं इसके साथ ही वो दे देते हैं रिबन, जिससे भी आप ऑर्डर करोगे अमेज़ोन या दराज से ऑर्डर करोगे वहाँ भी इजीली मिल जाते हैं। मैं देखूँगी अगर मुझे इसका लिंक मिला तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, इसकी एक और अच्छी बात है, जब मैंने मंगवाया था तो मुझे लगा था कि शायद एक जो कलर है वाइट है, अगर क्योंकि वाइट कलर आपको पता है बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, और साथ में ग्रे है, तो मैंने कहा इसको ब्लीच में तो बिल्कुल वॉश नहीं कर सकेंगे क्योंकि ग्रे कलर ख़राब हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने इसको ब्लीच में एक दफ़ा वॉश किया है क्योंकि दाग पड़ गया था एक, और बिल्कुल नहीं जा रहा था। मैंने ट्राई किया और बिल्कुल इसका कलर टच से मस भी नहीं हुआ, तो आप बेफिक्र होकर मंगवा सकते हैं। इसी के साथ आप ये ब्लैंकेट देख सकते हैं बेबी का, इसके भी मैंने आपके साथ पिक्चर शेयर की है। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक और बहुत ही ज़बरदस्ती लुक आ जाती है। ये इसका एक पिलो है, बस सिर्फ स्टाइलिश लुक देने के लिए, बेबी का हेड तो आप रख पे सिर्फ स्टाइल करने के। ये सारी चीज़ें आप बेफिक्र होकर ब्लीच में भी वॉश कर सकते हैं, किसी का कलर ज़रा भी आगे पीछे नहीं होगा और ना ही इनकी कोई क्वालिटी में फ़र्क आएगा, ना ये ख़राब होंगे फटेंगे, कुछ भी नहीं होगा। ये इसी के साथ मैंने कहा चलो थोड़ा सा विंडो को भी डेकोरेट कर लेते हैं रात को, क्योंकि कर्टन आगे होते हैं, दिन को तो पीछे ही होते हैं, तो थोड़ा सा बेबीज़ बेड की अच्छी लुक आती है, प्यारा लगता है देखने में। तो बस ये मैंने छोटे छोटे से गमले रख दिए हैं साइड पे, मुझे अच्छे लगे तो मैंने कहा चलो ये रख दिए। मैं लेके आई थी किसी और जगह रहने के लिए, पर मुझे यहाँ पर अच्छे लगे तो मैंने यहाँ पर रख दिए। और ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी सस्ते रेट में पड़ी थी, वो मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। इसी के साथ ये मेरे पास घर में ही एक पड़ी हुई थी, ये ट्वाइस आई थिंक इसमें आए थे कुछ, तो मैंने इसके साथ यूज़ कर लिया डायपर रखने के लिए कि आसानी हो जाती है। चलो तो दो तीन दिन के लिए आप साइड पर रख देते हो तो ईजी हो जाता, बार बार पैकेट से निकालना नहीं पड़ता आपको। और इसके साथ मैच भी कर रही थी, ग्रे एंड वाइट कलर में थी, जिस तरह का सारा ये मैंने पैटर्न यूज़ किया हुआ था कलर का। ये मेरे पास लाइट्स पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चलो ये भी साथ लगा देते हैं, अच्छी लगेगी, इससे लुक थोड़ी और इन्हांस हो जाएगी। तो हेयर इज़ द फाइनल लुक, आप देखिए और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरा ये मेकओवर कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।